गाजा पर इसराइल के हमलों में और भी तेजी यहां पर आ रही है। पिछले 24 घंटे में हुए हमलों में 200 लोगों की मौत तक हो गई। गाजा के खान यूनिस में हुए इस हमले में बड़ी तबाही मची है। अब तक गाजा में 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये वो 22,000 लोग हैं जिन्होंने इस महायुद्ध में अपनी जान गंवाई। तो वहीं वेस्ट बैंक में इसराइल की सेना ने कार्रवाई की और इसमें 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की भी मौत हुई है। तो गाजा के बाद अब एक और वॉर जोन तैयार हो चुका है। लाल सागर में अमेरिका और यमन के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इस युद्ध में ईरान भी शामिल हो सकता है। दरअसल हूथी विद्रोहियों ने जब से कहा है कि वो अमेरिका के जहाज डुबो देंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके बाद से ही लाल सागर में अमेरिका की नौसेना में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर ये महायुद्ध हुआ, ये महाजंग हुई, तो पूरी दुनिया का कारोबार यकीनन चौपट हो सकता है। अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबो दिए जाएंगे। अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूब जाएगा। इस वक्त लाल सागर में बहुत आग है। इस वक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है। इस वक्त लाल सागर में वॉर जोन भड़कने की कगार पर है। 48 घंटों के अंदर लाल सागर, यमन और इसराइल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्चिम एशिया गाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूब सकता है। अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टारगेट किया है, उसके 10 लड़ाके मार गिराए हैं, तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वॉर जोन में अब मचने वाला है महाबवंडर। इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद अब अमेरिका और यमन के बीच लड़ाई शुरू होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक ऐसे तूफान का खौफ है जिसके चंगुल से कोई देश नहीं बच पाएगा। हमलों से घिरे लाल सागर की तस्वीर बदलने वाली रॉकेट, मिसाइल और गोलीबारी, जहाजों पर कब्जा और कैरियर को टारगेट करने का इरादा, इसी खौफ ने अमेरिका को लाल सागर से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसके पीछे बस एक डर है कि कहीं यमन के हूथी विद्रोही इस कैरियर को एंटी शिप से ना डुबो दें। लाल सागर में जंग के हालात देखकर कार्गो जहाज चलाने वाली कंपनियों में दहशत है, क्योंकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के जहाजों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है और वो ऐसा कर भी रहे हैं। जब अमेरिका से हुई टक्कर के बाद हूथी विद्रोहियों ने कह दिया कि अमेरिका से बहुत खतरनाक बदला लिया जाएगा। अमेरिका और हूथी विद्रोहियों की टक्कर की वजह वो हमला है जिसमें हूथी के 10 लड़ाके मारे गए। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल से जुड़े एक जहाज को टारगेट करने की कोशिश की, तब उसको बचाने के लिए अमेरिका ने अपने वॉरशिप इलाके में भेजे। इसके बाद जब हूथी विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू की तो अमेरिका ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर से उनको निशाना बनाया। अमेरिका के इस जवाबी कार्रवाई में कई हूथी विद्रोही मारे गए और उनकी 3 नाव भी डूब गई। इस पर बौखलाए हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका को धमकी दी। تضامنا واسنادا للشعب الفلسطيني اقدمت قوات العدو الامريكي على الاعتداء على 3 زوارق تابعه للقوات البحريه اليمنيه ما ادى الى استشهاد وفقدان 10 افراد من منتسب القوات البحريه। अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिका की नौसेना लगातार लाल सेना में मिसाइलों की बरसात करती नजर आ रही है। للدول التي تفصل جغرافيا بيننا وبين فلسطين المحتلة لتفتح منافذ
مرور وعبور برية ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. هو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق. हूथी विद्रोहियों से इजराइल के बाद अब अमेरिका को भी खतरा बढ़ गया है। कुछ दिन पहले सामने आए एक वीडियो में हूथी विद्रोहियों ने दिखाया था कि वो कैसे इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर दो झंडे लगे हैं, एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में क्या हुआ। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं, जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर क्रू मेंबर हैंड्स अप करके हमलावरों की इस टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है। ये है जहाज गैलेक्सी लीडर जो लाल सागर से गुजर रहा था और अब यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। उसके चारों तरफ उनकी स्पीड बोट है, जहाज पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। अमेरिका भी इस खतरे को समझ गया है, लेकिन अब तक उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की बात की है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इसराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इसराइल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इसराइल के गले पर हमला करने जैसा है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है। अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं, ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो यह रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इसराइल जाना है तो रास्ता 10000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा, 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपड़। यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। इजराइल के जहाजों पर हमले हो रहे हैं, इजराइल के पोर्ट पर सामान पहुंचाने वाले जहाज भी टारगेट पर हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मॉक्स ने यह ऐलान कर दिया है कि यूरोप से लेकर चीन तक और पूरे पश्चिम एशिया में अब सबको बहुत डर सताने लगा है। डेनमार्क की कंपनी मॉस्क ने कहा है कि उसके जहाज अब लाल सागर से ना गुजरकर अफ्रीका से होकर यूरोप या फिर भूमध्य सागर में जाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी मॉस्क ग्लोबल कंटेनर मार्केट का 15% हिस्सा ऑपरेट करती है। इसके अलावा हपांग लॉयड जिसके पास शिपिंग कंटेनर का 7% कारोबार है,
उसने भी ये कह दिया है कि लाल सागर से गुजरने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी एशिया से यूरोप जाने के लिए ये कंपनी अब मिस्र की स्वेज कैनाल का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेगी। इनके जहाज अब 6000 किलोमीटर लंबा सफर करके यूरोप जाएंगे और इसराइल जाने के लिए 10000 किलोमीटर ज्यादा फासला तय करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजा में युद्ध चल रहा है। गाजा में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया और उसके बाद जो तूफान गाजा में आया है उसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है।